बच्चों को क्यों नहीं मारना चाहिए? बच्चों को क्यों मारना है पहले अगर नहीं सुन रहे, ढीठ हैं, बात नहीं सुन रहे, बात नहीं सुन रहे, और आई फील दैट यू नो आई डोंट फील, आई मीन एक तो प्रैक्टिस है हमारे यहाँ, इट्स एक्सेप्टेबल यू नो, लेकिन अब खैर बहुत चेंज हो गया है. मुझे लगता है नए पेरेंट्स जो हैं, आई थिंक देयर इज अ लॉट ऑफ फेकनेस. आई हैव सीन पेरेंट्स जो बाहर नो डार्लिंग डोंट डू दैट, और फिर गाड़ी में जाकर जो कॉन्वर्जेशन और वही सब कुछ. एक तो ये सो यू नो, आप मुझे इतना ओपनली ये बोलना चाहिए या नहीं, बट लाइक व्हाट्स द पॉइंट ऑफ इट व्हेन यू कांट बी योरसेल्फ. लाइक मुझे लगता है कि जितना जेन्युइन हो, कि जितने जो दिस इज, बट दिस इज माय ओपिनियन, पीपल कैन डिसएग्री, कोई ऑफेंड होने वाली बात नहीं है दोस्तों. लोग ऐसे हो जाते हैं कि बस बंदूक और हम छुरे निकाल दें, किसने ये बात कैसे करी. तो नहीं, मतलब आप डिसएग्री कर लें, कोई ऐसी बात नहीं, मैं अपना ओपिनियन बता रही हूँ. जो एलीट्स हैं ना, उनका एक अलग मसला है कि उन्होंने बच्चे मेड्स पे छोड़ दिया. मेड्स, एक ड्राइवर है, एक मेड है, वो पूरा बच्चा पालते हैं. वो तैयार भी करेंगे, खिलाएंगे पिलाएंगे, टेक केयर करेंगे. माँ कहाँ है, या वो काम कर रही है, ठीक है काम करें बिल्कुल, या फिर वो अपनी किटी पार्टी पर है. और जो मिडिल क्लास हैं बेचारे, या वो हैं, वो बेचारी माएँ हमारी जॉइंट फैमिली के मसलों में उलझी हुई हैं, सफाइयाँ कर रही हैं, बर्तन धो रही हैं, खाने पका रही हैं, पर दोनों जगह निगलेक्ट और अब्यूज़ बच्चों के साथ ही हो रहा है. वो सारा मलबा उन्हीं पे गिरता है. अब मारना क्यों नहीं चाहिए? देखो, मैं जो हूँ ना, अपने बच्चे की दुनिया हूँ एज अ मदर. जब बच्चा छोटा है, हम छोटे बच्चों की बात कर लें, अर्ली ईयर्स की बात कर रहे हैं, जब मैंने उसको मारा तो मैंने उसको ये सिखाया कि जब तक तुम मेरे बताए हुए या मेरे पसंदीदा बिहेवियर पर हो, जब तक तुम मेरे लिए काबिल मोहब्बत हो, और जब तुम उससे डाइवर्ट होते हो, तो मैं तुम्हें मार सकती हूँ. और दूसरा मैंने क्या सिखाया उसको, कि पीपल हु लव यू दे कैन हर्ट यू. फिर वो अपने फ्यूचर रिलेशनशिप, जो मेरा रिलेशनशिप है ना मेरे बच्चे के साथ, वो रिफ्लेक्शन है उसके फ्यूचर रिलेशनशिप्स का. फिर मैंने उसको क्या सिखाया, इट इज़ ओके टू गेट अब्यूज्ड. वो बंदा प्यार तो कर रहा है ना तुमसे. अगर मेरी बेटी है तो वो क्या सीखेगी, कि ठीक है मारता है तो प्यार भी तो करता है. और बेटा सीखेगा कि मैं प्यार तो करता हूँ, मार सकता हूँ. लेकिन अगर मैं ऐसी डेविल्स एडवोकेट, डेविल्स एडवोकेट प्ले करूँ, तो इतने सालों से परवरिश हो रही है, मेरा अब भी सही निकल आए. हम सही निकले नहीं, आई वांट टू टेक अ मोमेंट हियर. हम सही निकले. आई एम नॉट सेइंग, आई एम नॉट टेकिंग अ वर्डिंग, आई एम हैविंग अ डिस्कशन. ये बहुत, हाँ ये बहुत कॉमन, ताकि लोग जो कहें राबिया, कोई मेरे पास हर हफ्ते ये कॉमेंट आता है, तो उसको क्या पढ़ा सिखा रहे हैं आप लोग. नहीं, मैं तो कह रही हूं मैं ये, बट आई एम सेइंग कि फॉर पीपल हु वुड से दैट, आई गॉट योर, व्हाट वुड यू से टू देम. ये मुझे 100 सवाल आते हैं हर हफ्ते, कि हम भी तो ठीक निकले, हमारे साथ क्या मसला है, हम भी तो ठीक है. पहली बात तो ये कि अगर आप एडल्ट हैं और आपको लगता है कि एक औरत पे या एक एक बच्चे पे हाथ उठाना इज ओके, तो आर यू ओके? पहला सवाल तो ये. दूसरा सवाल ये है कि आपको वाकई लगता है आप ठीक हैं? हमारी जनरेशन से ज़्यादा मेंटल हेल्थ इशूज़ किसी के हैं? हर दूसरे बंदे को एंग्जाइटी है, हर दूसरे बंदे को डिप्रेशन है, सुसाइड रेट कहाँ जा रहा है, बीटिंग एवरीबॉडी, सुसाइड रेट कहाँ जा रहा है. और जेन जी क्यों ऐसी है? क्योंकि वो यही तरबियत, यही हुई है उनके साथ. अब बदल रही हैं चीज़ें, तो फॉर द नेक्स्ट जनरेशन वी कैन होप बेटर. तो आप, हमें पता ही नहीं. मैंने यही कहा ना कि मेरी मुलाकात मुझसे 30 साल बाद हुई, कि इरम है कौन, इरम चाहती क्या है, उसके गोल्स क्या हैं, उसे क्या अच्छा लगता है, उसे क्या बुरा लगता है. एक तो पूरी ज़िंदगी भी हम डिस्कवर नहीं करते अपने आप को. फिर शादी हो जाती है तो कांस्टेंट वही सिखाया जाता है कि यू हैव टू एडजस्ट इन देयर हाउस. तो इस पर भी मैंने एक बहुत अच्छी पोस्ट की थी. एक लड़की है, वो अपना शहर छोड़ के जा रही है, माँ बाप छोड़ के जा रही है, बहन भाई छोड़ के जा रही है, अपने दोस्त छोड़ के जा रही है, उसी को, और हर बंदा उससे कह रहा है कि तुमने जाके एडजस्ट करना है. उस बॉय से क्यों नहीं कोई कुछ कह रहा कि वो नई लड़की आएगी? अब तो चलो फिर भी कोई कह रहा है, लाइक 10 ईयर्स, आई एम मैरिड सिंस 10 ईयर्स. तो उस टाइम पे मेरा नहीं ख्याल किसी एक ने भी मेरे शौहर को भी एडवाइस दी होगी कि यार उसके हिसाब से भी एडजस्ट करना, या वो तो ऑलरेडी इतना बड़ा एडजस्टमेंट कर रही है कि सब कुछ छोड़ कर आ रही है. ठीक है भाई, इट वॉज अ म्यूचुअल डिसीजन, बट स्टिल कि एक बंदा जो उस पर सारी जिम्मेदारी हम क्यों डाल देते हैं? दो लोगों की जिम्मेदारी है ना. हम अपने बॉयज को कितना ट्रेन करते हैं औरतों के हिसाब से, बेसिक अकल भी नहीं उनको होती है कि क्या. अब तो खैर अल्हम्दुलिल्लाह है लोगों को, लेकिन 10 ईयर्स बैक कौन किसी शादी की तैयारी भी लड़की करे, बच्चे हो रहे हैं उसकी तैयारी भी लड़की करे, बच्चों की परवरिश की तैयारी भी लड़की करे, लड़के क्या करेंगे? सो आपके हस्बैंड किस तरह आपको इस सारे में सपोर्ट करते हैं? बिकॉज आपकी जो इतनी रेवोल्यूशनरी टाइप की थिंकिंग है, कैन नॉट हैपन विदाउट द सपोर्ट ऑफ योर हस्बैंड. बिल्कुल. सो
जब आपने शुरू शुरू में आइडियाज़ देना शुरू किए कि अच्छा बच्चे को नहीं मारना, या ये कि मैं इस तरह सोचती हूँ कि किसकी कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है रिलेशनशिप में, एंड मैं इंस्टाग्राम पे जाऊँगी, मेरी वीडियोज़ आएंगी, सब कुछ होगा, बिल्कुल, हाउ डिड इट ऑल वर्क आउट, इफ़ यू वुड लाइक टू शेयर। हाँ, सबसे पहले तो ये कि ये इसके बगैर तो ये हो नहीं सकता था ना। Of course, मैं जिस आई एम अ पंजाबी, आई वॉज रेज इन अ जॉइंट फैमिली, और मैं हमेशा, मैंने अपने टेट टॉक में भी ये बात की थी, मैं हमेशा ये बात करती हूँ, आई हैव नो शेम इन सेइंग दिस, हम उस ख़ानदान से हैं कि हमारे गांव में ना लड़कियों को बात करने की इजाज़त नहीं है, ओपिनियन देना दूर की बात है। ओके, और मैं टेट टॉक्स दे कर आती हूँ, एंड माई हस्बैंड मेड इट पॉसिबल, एक तो अल्लाह, एंड देन माई हस्बैंड मेड इट पॉसिबल फॉर मी कि ही वेंट अगेंस्ट द नॉर्म्स। ओके, एंड जिस दिन मैंने अपनी पहली पॉडकास्ट की थी ना, और मैं कह रही थी कि मुझे नहीं जाना, मैं जाके कैसे बात करूँगी इन फ्रंट ऑफ कैमरा, तो ही टोल्ड मी कि अभी तो तुमने टेट टॉक्स देनी है, तो ही वॉज एबल टू सी इन मी वॉट आई वॉज नॉट एबल टू सी इन माई सेल्फ। तो इट्स डेफिनेटली नॉट पॉसिबल विदाउट योर पार्टनर सपोर्ट। और दूसरी बात ये कि ही अंडरस्टैंड्स कि मेरी नीयत क्या है, ही अंडरस्टैंड्स, और फिर जब उसके लिए सोशल मीडिया पर जाना है मुझे, टॉक पर जाना है मुझे, कहीं भी जाना है, मकसद पर फोकस होता है ना कि मैं किस लिए कर रही हूँ, मुझे कोई पैसों की ज़रूरत नहीं है, मुझे कोई शौक नहीं है फेमस होने का एट दिस पॉइंट इन माई लाइफ, आई एम वेरी हैप्पी एंड सेटिस्फाइड विद हु आई एम, वेर एवर आई एम, वॉट एवर आई एम। मेरी सिर्फ एक इंटेंशन होती है, वही वाली बात कि जो मैंने सीख लिया है ना वो मैं लोगों को सिखा दूँ। रही बात पेरेंटिंग की, तो अक्सर वो मजाक में कहते थे कि ये लड़का है ना, उसको दो, मेरा जो बेटा है 8 साल का, कभी, और वो बहुत, जब आप पॉजिटिव तरीके से बच्चे पालते हैं ना तो वो बहुत मुश्किल बच्चे होते हैं, क्योंकि हमें उन बच्चों की आदत नहीं होती जो डिसएग्री करें, जो आपको क्वेश्चन करें, जिससे अगर आप आवाज़ ऊंची करके बात करें तो वो अभी आवाज़ ऊंची करके बात करें, तो वो आपको बहुत ट्रिगर करता है। क्योंकि हमें तो आदत ही है उन बच्चों की ना, जो रोबोट्स की तरह होते हैं, यहाँ बैठ जाओ, ये खा लो। अच्छा बच्चा क्या होता है? जो फर्मा बरदार होता है। और सबसे ट्रॉमा जिसके अंदर लोड हुआ वो होता है ना, वो अच्छा बच्चा होता है, क्योंकि पूरी ज़िंदगी उसने अपनी मर्ज़ी और ख़ुशी से कुछ नहीं किया, सब कुछ अपने माँ बाप की मर्ज़ी और ख़ुशी से किया। और मैंने एक जगह ये बात की कि फर्मा बरदार औलाद सबसे ज़्यादा सफ़र करती है, एंड आई कॉन्ट टेल यू कि इससे कितने माँ बाप ट्रिगर हुए, कि आप क्या सिखा रही हैं कि वो ना फर्मा बरदारी करें। मैं ये सिखा रही हूँ कि अपनी औलाद की इज्जत करें और उसकी भी मर्ज़ी और ख़ुशी का ख्याल कर लें। सो डू यू थिंक कि औलाद के का कोई फ़र्ज़ होता है माँ बाप की तरफ? बिल्कुल, या माँ बाप की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू एक्सेप्ट किड्स एज दे आर? देखिए, एक तो पहली चीज़ ये है कि मुझे, मेरी जिम्मेदारी है, मैं एक जान को दुनिया में लेकर आई हूँ, जिसको जिसने मुझे नहीं कहा कि मुझे पैदा करो, मैंने अपनी मर्जी खुशी से एक बच्चे के बारे में सोचा, उसको मैं दुनिया में लेकर आया। जो मैं बात हमेशा कहती हूँ, दे डोंट ओ यू एनी थिंग, योर किड्स डोंट ओ यू एनी थिंग, इट वॉज़ योर डिसीजन। आपने अपने जॉइंट फैमिली को खुश करने के लिए किया, अपने हस्बैंड को, लोग अपनी शादी पक्की करने के लिए बच्चे पैदा करते हैं। एक ट्रोमेटिक शादी है, वो चल नहीं रही है, अब मशवरा आया जी बच्चा पैदा कर लो, उसमें एक वो ऐड कर लिया, आप खुद तंग हैं, आपका शौहर तंग है, उस बच्चे की क्या तरबियत होगी? और दूसरी बात ये, देखो राबिया, मैं अपनी मर्ज़ी से बच्चा लाई हूँ, और मुझ पर अल्लाह ने ज़िम्मेदारी रखी है ना कि मैंने उनकी तालीम भी करनी है, मैंने उनकी तरबियत भी करनी है, मैंने उनको प्रोवाइड भी करना है। प्रोवाइडिंग क्या होता है? कपड़ा, खाना, बेसिक्स, उसके सर पे छत है, ठीक है। उसके बाद ये है कि मैं उसकी तालीम देख रही हूँ, उसके बाद ये है कि मैं उसकी तरबियत कर रही हूँ। अब उसके क्या फ़राइज़ हैं? जब मैं, मतलब जो पेरेंट्स कहते हैं, हमारा गिव एंड टेक सिस्टम है, मैंने क्योंकि तुम्हें बेसिक्स दिए हैं, खाना, कपड़ा और छत, अब तुम ये सब कुछ मुझे वापस करो, तो वाई आर वी सो सेल्फिश एज पेरेंट्स? और आप अपने ओल्ड एज के लिए क्यों नहीं प्लान करते अभी अपनी इस ज़िंदगी में? मैं उन पेरेंट्स की बात नहीं कर रही जो ऑलरेडी ओल्ड हैं, बट मैं इस जनरेशन की बात कर रही हूँ कि वी ऑलरेडी नो कि आजकल के ज़माने में एक मिडिल क्लास इंसान को देखें, वो अपनी बीवी बच्चे पाल ले, बहुत बड़ी बात है, वो कैसे पेरेंट्स को सपोर्ट करें? अब मैं ये नहीं कह रही कि उसको नहीं करना चाहिए, उसको करना चाहिए, बट इट्स आर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑल्सो दैट वी प्लान फॉर आर फ्यूचर। हमारी बच्चे हमारे इन्वेस्टमेंट होते हैं, लेकिन हम उनको अपनी आखिरत की इन्वेस्टमेंट नहीं बनाते, हम उनको दुनिया की इन्वेस्टमेंट बनाते हैं कि मैंने तुम्हें खिलाया, अब तुम मुझे खिलाओ।